नमस्कार दर्शकों, आज जो हमारी बातचीत होगी वो मकर लग्न के 12 भावों में बुधादित्य योग के प्रभाव को लेकर होगी। अब तक जो हमारी बातचीत हो चुकी है वो मेष लग्न से धनु लग्न के 12 भावों में गजकेसरी योग, माफ कीजिएगा, बुधादित्य योग के प्रभाव को लेकर बातचीत हो चुकी है। तो इस वक्त जो हम बातचीत करने जा रहे हैं उसमें मकर लग्न के 12 भाव में बुधादित्य योग के बारे में चर्चा करेंगे। मकर लग्न, मकर लग्न के स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनिदेव और सूर्यदेव इस लग्न की कुंडली में अति शत्रु होते हैं, और उन्होंने सूर्यदेव को क्या स्थान दिया, कुंडली का अष्टम स्थान, मृत्यु तुल्य कष्ट का स्थान, मृत्यु का स्थान, आयु का स्थान, जो कि मारक भाव भी है, और इस भाव के भावेश को मार्केश भी कहा जाता है। अतः सूर्य मकर लग्न की कुंडली में मार्केश हो गए। सूर्य बुध के साथ मित्रता तो रखते हैं, किंतु इस भाव में सूर्य को लग्नेश के साथ शत्रुता और बुरे भाव मिलने के कारण इस कुंडली में सदैव सूर्यदेव बुरे ही फल देंगे। यदि हम बातचीत करें बुध देव की, तो बुध देव और शनि देव में आपस में अति मित्र हैं, और उन्होंने बुध देव को क्या दिया, तो एक कुंडली का छठा स्थान, रोग चोट दुर्घटना मुख में कर्जे का स्थान के बारे में भी विचार किया जाता है, मामा मौसी का विचार दिया, और एक कुंडली के भाग्य स्थान, उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है, बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है उसे कुंडली के नवम स्थान में धर्म का स्थान, धर्म को मानने का स्थान, पिता का स्थान और विदेश यात्रा सेटलमेंट का स्थान, भाग्य स्थान दिया मूल त्रिकोण राशि में। अतः एक त्रिकोण के भाव मिलने के कारण इस लग्न की कुंडली में बुध देव अति योग कारक और सूर्य देव अति मारक बन जाते हैं। कभी भी इस लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अशास्त्र का कथन है कि अष्टमेश जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव को कमजोर करने की अथवा कमजोर करेगा, ये फिक्स है। तो यदि हम इस लग्न की कुंडली में बात करें कि सूर्य और बुध लग्न में बैठे हों, तो चूंकि अधिकतर 80% कुंडलियों में सूर्य देव बुध देव को अस्त कर देते हैं, तो यदि यहाँ पर बुध देव अस्त हो गए तो जातक जो परम भाग्यशाली बनने वाला था उसमें कमी आ जाएगी। जातक का भाग्य अंत समय में ही धोखा देगा। क्यों? क्योंकि बुध वहां सूर्य से अस्त हो रखा है। साथ ही इस लग्न की कुंडली में सूर्य अष्टम स्थान के मालिक हैं, तो त्वचा से संबंधित समस्या वो देंगे ही देंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। लग्न में बैठने पर एक प्लस पॉइंट ये है, एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जातक के अंदर कॉन्फिडेंस भर देंगे। यही कारण है कि सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, यदि चंद्रमा की डिग्री यदि कहीं पर भी कमजोर हो जाती है तो वहां पर मन उस स्थिति में मन बहुत ही पीड़ित और अशांत रहता है। और यदि हम बात करें कुंडली के सूर्य के बारे में, तो सूर्य आत्मा का कारक है, तो जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। यही कारण है कि सूर्य और चंद्रमा को छठे आठवें बारहवें का दोष कुछ मामलों में नहीं लगता, किंतु उससे संबंधित जो भाव हैं, उससे संबंधित जो नुकसान है वो तो मिलेंगे ही, 100% मिलेंगे, इसमें नो डाउट नो समस्या, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम बात करें कि सूर्य और बुध धन स्थान में बैठे हों, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भाग्येश होकर धन भाव में बुध बैठा है, किंतु ये तो महान धनवान योग बन जाता है। किंतु यदि यहाँ पर बुध अस्त हो गया सूर्य से, तो यहाँ पर जातक को नेत्र से संबंधित, सूर्य नेत्र से संबंधित समस्या देगा जातक को, त्वचा से संबंधित समस्या देगा, बाल झड़ने की समस्या देगा, यदि शनि कमजोर हुआ तो बाल झड़ने की समस्या भी दे देगा, जातक की परिवार से नहीं बनेगी, जातक की वाणी में हकलाहट ला देगा, क्योंकि अग्नि तत्व का प्लेनेट प्रबल मार्केश होकर द्वितीय स्थान में बैठा है, मारक स्थान में बैठा है। बात करते हैं कुंडली के तीसरे स्थान में, यहाँ पर वैसे ही बुधादित्य योग नहीं बनेगा, क्योंकि इस लग्न की कुंडली में बुध देव यहाँ पर तीसरे भाव में जाते ही नीच का हो जाएंगे, और उस स्थिति में यदि बुध सूर्य देव वहाँ पर बैठे भी हों तो अष्टम का मालिक होकर अपने से अष्टम स्थान में जाकर बैठा है, स्वायु के लिए अच्छा रहेगा, किंतु किसी भी प्रकार से छोटे भाई बहन के साथ बनने नहीं देगा, मेहनत का जल्द फल मिलने नहीं देगा। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ स्थान में,
भाग्येश होकर चतुर्थ स्थान में गया है, अष्टमेश होकर उच्चिका होकर माँ के ऊपर बैठा है, माँ के स्वास्थ्य के ऊपर बैठा है, माँ के हेल्थ को प्रॉब्लम में डालेगा। उच्चिका है, हालांकि उच्चिका होकर दिग्बल भाव पर देखेगा, अपने अपनी सातवीं दृष्टि से नीच दृष्टि डालेगा, किंतु भूमि भवन वाहन पर बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, उच्चिका बैठा है, सो भूमि भवन वाहन का देर सवेर भरपूर उपयोग तो भरपूर लाभ देगा, किंतु माँ के स्वास्थ्य को यह डैमेज जरूर करेगा। सूर्य जिस जिस भावों का या जिन जिन शरीर के अंगों का कारक है उस भाव से संबंधित यहाँ पर समस्या देगा। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या, हड्डी से संबंधित जोड़ों में दर्द वगैरह की सिर्फ शिकायत देगा। यदि और ज्यादा निगेटिव प्रभाव हो तो हड्डी तोड़ भी सकता है। तो किसी भी कीमत में चतुर्थ भाव में भी बुधादित्य योग नहीं बनेगा। अब बातचीत करते हैं कुंडली के पंचम स्थान में। सूर्य वैसे ही कुंडली के पंचम स्थान में रहता है तो गर्भ को जलाने का काम करता है, और इस लग्न की कुंडली में अष्टमेश होकर जब बैठेगा, अष्टमेश होकर कुंडली के पंचम भाव में जाकर बैठेगा, तो निस्संदेह प्रथम गर्भ को नष्ट तो अवश्य करेगा। यदि हम देखें बुध की बात करें तो नवम भाव का मालिक अपने से नवम स्थान में जाकर बैठा है, सो वो यहाँ पर क्या करेगा, यदि अस्त हुआ तो उसका कोई श्रेष्ठ प्रभाव नहीं मिलेगा, और यदि अस्त नहीं हुआ तो उच्च शिक्षा को अच्छा करेगा, धन धान्य से संपूर्ण करेगा, शिक्षा से विवेक अच्छा दे देगा, बुद्धि तार्किक शक्ति अच्छा दे देगा, किंतु अस्त हुआ तो इन सभी चीज़ों में कमी हो जाएगी। इस लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध की युति से केवल विपरीत राज्यों का निर्माण हो सकता है, या सूर्य और बुध इस लग्न की कुंडली में, वैसे तो सूर्य केवल विपरीत राजयोग का ही निर्माण कर सकते हैं, कभी भी बुध आदित्य योग का, बुध आदित्य योग का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सूर्य इस लग्न की कुंडली में सदैव मारक भाव का स्वामी होते हैं, मार्केस होते हैं। छठे भाव में सूर्य आएंगे, आयु के स्थान का मालिक चला गया रोग स्थान में, ये सरल नामक विपरीत राजयोग बन जाता है, किंतु आयु स्थान का मालिक रोग स्थान में गया है तो जब भी सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी जातक को कष्ट परेशानियां मिलेंगे ही, हेल्थ प्रॉब्लम देगा ही देगा, और ये छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं देगा अपितु उच्च कोटि का हेल्थ प्रॉब्लम देगा, जातक को बेड पर पड़ा करके ही उसकी दशा अंतरदशा में जब तक अच्छे ग्रहों की अंतरदशा नहीं आएगी तो वो निगेटिव प्रभाव देता ही रहेगा, गोचर में जैसे पीड़ित होगा वहां पर भी देगा। यदि बात करते हैं कि इस लग्न की कुंडली में सप्तम स्थान में बैठे सूर्य तो क्या प्रभाव होगा, वैसे अग्नि तत्व का ग्रह होकर जल तत्व की राशि में सप्तम स्थान में बैठा है और अष्टमेश का मालिक है, तो सप्तम स्थान विवाह को ये पूर्णतः तोड़ तो अवश्य देगा, यदि नहीं तोड़ेगा तो विवाह नर्क से भी बदतर जीवन कर देगा। और यदि पाप प्रभाव आ गया इस लग्न की कुंडली में शनि मंगल की दृष्टि, हालांकि शनि यदि लग्न में भी बैठेंगे तो भी वो दृष्टि डालेंगे, मंगल लग्न में उच्चिका होकर बैठेंगे फिर भी अगर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर विवाह तोड़कर अवश्य तोड़ देंगे, व्यापार भी बहुत ज्यादा चलने नहीं देंगे क्योंकि अष्टमेश जाकर बैठा है व्यापार के घर में। अब बात करते हैं सूर्य और बुध की युति अष्टम भाव में। बुध जब सप्तम भाव में होंगे तो जैसे ही यदि अस्त होंगे तो उनका निगेटिव प्रभाव मिलेगा ही, और बुध के प्रभाव को कम करेंगे ही करेंगे, यदि अस्त ना भी हो फिर भी उसमें कमी लाएंगे, और अस्त किया तो कमजोर कर ही देंगे। अष्टम स्थान में सूर्य और बुध बैठेंगे तो यहाँ पर हर्ष नामक विपरीत राजयोग और सरल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि बुध की जो एक राशि है वो कुंडली के छठे स्थान पर है, छठे भाव में है, अतः एक यहाँ पर हर्ष नामक बुध से हर्ष नामक विपरीत राजयोग का भी निर्माण होगा, और भाग्येश होकर जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित प्रभाव वो अवश्य देगा। यदि बात करें सूर्य की तो सूर्य यहाँ पर आयु स्थान का मालिक होकर आयु स्थान में बैठा है, सो हर उस चीज के लिए यहाँ पर अच्छा हो जाएगा, आयु से संबंधित कार्यों में, कॉमन सेंस से संबंधित कार्यों में, मृत्यु तुल्य कष्ट यानी कि परेशानियों से संबंधित में हर चीज के लिए अच्छा हो जाएगा, यहाँ पर सूर्य अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं कुंडली के नवम स्थान में। यहाँ पर सूर्य बैठे तो अष्टमेश होकर त्रिकोण में जाकर बैठा है, यदि भाग्येश बुध भी साथ में बैठा हो यहाँ पर कुछ हद तक श्रेष्ठ प्रभाव कहा जा सकता है। आयु स्थान का मालिक त्रिकोण स्थान में मित्र राशि में जाकर बैठा है, सो यहाँ पर बैठेगा तो वह अपना अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि मित्र के घर को तीसरे भाव पर दृष्टि डालेगा या अपनी सातवीं दृष्टि, तो उस भाव से संबंधित प्रभाव तो अवश्य देगा, समस्या भी कुछ देगा, प्रभाव भी कुछ अवश्य देगा।
यदि हम बात करें सूर्य और बुध की दशम भाव में, तो यहाँ पर दिग्बली होकर बैठेगा, किंतु नीच राशि में सूर्य बैठेगा। आयु स्थान का मालिक नीच का होकर दशम भाव में बैठा है, दिग्बली होकर बैठा है, और यदि वो बुध को अस्त कर दिया तो यहाँ पर बुध और ज्यादा कमजोर हो जाएगा इस लग्न की कुंडली में। भाग्य और ज्यादा पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि भाग्य का मालिक नीच के सूर्य के साथ अस्त हो जाएगा, तो वहां पर निगेटिव प्रभाव ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव नहीं कहे जा सकते। यदि कुंडली के एकादश स्थान में हम बात करें तो यहाँ पर मित्र की राशि में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है, एक अपने शत्रु की राशि में बैठा है, भाग्य सोकर लक्ष्मी स्थान में गया है, किंतु अष्टमी सोकर बड़े भाई बहन के घर में गया है, बड़े भाई बहन को हेल्थ प्रॉब्लम देगा, धन की स्थिति में उतार चढ़ाव कराएगा, सो यहाँ पर अन्य छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, क्योंकि छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम का विचार एकादश भाव से किया जाता है, ये बैठेगा वहीं पर अष्टमेश होकर, सो हेल्थ प्रॉब्लम को छोटी मोटी नहीं वो मध्यम कर देगा। यदि हम बात करें इस लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध की युति कुंडली के द्वादश स्थान में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, तो क्या फल होगा। यहाँ पर यदि सूर्य और बुध एक साथ बैठे हों तो सूर्य के साथ सरल नामक विपरीत राजयोग और बुध के साथ हर्ष नामक विपरीत राजयोग का निर्माण अवश्य होगा, किंतु बुधादित्य योग कभी नहीं बन पाएगा। इस लग्न की कुंडली में बुधादित्य योग न बनने की प्रमुख जो कारण थी वो था सूर्य, क्योंकि सूर्य लग्नेश का अति शत्रु भी हो जाता है और उसे बुरे घर मिलने के कारण वो अच्छा प्रभाव नहीं दे सकता इस लग्न की कुंडली में। जब भी कोई ग्रह लग्नेश का शत्रु होता है तो उसका वैसे भी उस कुंडली में उसका प्रभाव संभावस्थ हो जाता है, और यदि उसे बुरा भाव भी मिल जाए वो अति वहां पर मारक तो बन ही जाएगा। तो ये था मकर लग्न के 12वें भाव में बुधादित्य योग का प्रभाव। हालांकि बुधादित्य योग नहीं बनता, किंतु यदि बुध अस्त ना हो सूर्य से तो कई बार अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि भाग्येश और नवमेश है जो कि भाग्येश है और कुंडली का 6ठे स्थान, जहाँ से जॉब का भी विचार किया जाता है, गवर्नमेंट जॉब का भी विचार किया जाता है, सो जॉब के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।